राजस्थान या कहीं उदयपुर, जो पर्यटन की दृष्टि से तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भी एक जो रॉयल वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हाल ही एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की शादी हुई। फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आए, कई पॉलिटिशियन भी आए थे। इन शादियों में खासकर ये देखा जाता है, या फिर वो जो जिनकी शादी होती है उनमें पहनावे, खाने पीने को लेकर काफ़ी जद्दोजहद की जाती है, काफ़ी कॉन्टेक्ट्स ट्राई किए जाते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद वो उन चीज़ों को अपनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि उदयपुर यानी कि मेवाड़ एक पाग के रूप में, पगड़ी के रूप में अपनी पहचान रखता है, और कोई भी रॉयल वेडिंग होती है तो साफे या पगड़ी उदयपुर के ही होते हैं। और उदयपुर में भी खास एक व्यक्ति है जयंत कोठारी, जिनके यहाँ से ही साफे या पगड़ी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी हुई, उसमें राघव और उनके बारातियों ने जो पाग पहनी, जो साफे पहने, पगड़ियाँ पहनी, वो जयंत कोठारी द्वारा बनवाई गई या उनके शॉप से ही गई हुई पगड़ियाँ थी। और दूसरा, नील नितिन मुकेश की शादी हुई, इसके पहले भी उद्योगपतियों की कई शादियाँ हुई जिनमें ये पगड़ियाँ यहाँ से ही गई है। हमारे साथ में जयंत जी बात करेंगे रॉयल वेडिंग में किस तरह से पाग डिज़ाइन होती है, कहाँ से मंगाई जाती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है। पहले तो बताएं, अब तक कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग आप कवर करवा चुके हैं? बहुत सारी, काउंट नहीं है मेरे पास, बट हाँ बड़ी बड़ी वेडिंग्स आपको बता सकता हूँ। जैसे अंबानी हो गया, रणवीर दीपिका हो गया, विक्की कौशल कैटरीना हो गया, गोइंकाज हो गया, खरबंदा फैमिली हो गया, जयपुर उम्मेद भवन, ऐसे सोन बहुत सारी वेडिंग्स है जो हम लोग कर चुके हैं अभी तक। अच्छा, ड्रेसअप तो उनके द्वारा सेलेक्ट होता ही, पाग रहती नॉर्मल पाग जो आम आदमी एक शादी करता है उनकी पगड़ियों में, इनकी पगड़ियों में क्या अंतर दिखाई देता, क्या होता है इनमें खास? एक्चुअल अंतर एक्चुअल में डिज़ाइन क्या होती है वहाँ से आती है, और अंतर तो यह है कि अपने यहाँ का जो बंदा ही है वो बहुत फेमस है, इस वजह से अपन लोग को हर समय हायर किया जाता है, बार बार याद किया जाता है, क्योंकि जो हाथ की फिनिशिंग अपनी आती है वो दूसरे लोगों की नहीं आ पाती है। और ये फ़ोटोज ट्रेंड होते हैं, वायरल होते हैं, इसको पूरा इंडिया देखता है, तो उस हिसाब से इस सब चीज़ों को देखा जाता है कि हाँ उनको ऐसे लोग भाग चाहिए जो फिनिशिंग वाला काम कर सकें। राघव और परिणीति की शादी हुई, इसमें किस तरह की पगड़ी रही थी? राघव और परिणीति में हम लोगों ने सर्विसेज दी थी, जिसमें हम लोगों ने साफे बांधे थे अपना ग्रूम साइड में और ब्राइड साइड में। ग्रूम साइड के येलो, रोज़ गोल्ड, मिंट और ये सब कलर्स थे, और ब्राइड साइड में लैवेंडर, पाउडर ब्लू और ये वाले कलर्स थे। तो ये डिज़ाइन मतलब जो भी रॉयल वेडिंग होती है उनकी तरफ से आती है, आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पगड़ी आप साफे बनाते हैं फिर पहुँचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ईशा अंबानी की शादी में शायद 1600 साफे रहे थे, उसमें क्या था डिफरेंट, कुछ लगा आपने? क्योंकि वो पूरे देश भर के पूरा पिस्टल टोन था, जो समुद्र लहर है उस समुद्र लहर के कॉन्सेप्ट में ही सारे साफे बने हुए थे। अच्छा, इनकी शादियों में क्या अंतर दिखा आपको, किस तरह से पहनावा रहता है, पाग रहती है? आपने जैसे आपने बताया भी था कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन मतलब होता है, उसके बाद यहाँ पर अपनाते हैं, वो सारा फ्यूचर फैशन का फोरकास्ट पर चलता है कि जो अपकमिंग कलर्स आ रहे हैं उस पे सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री सारे उसी कलर्स पे वर्क करती है उस टाइम पे, फ्रॉम इंटीरियर डिज़ाइनर टू फैशन डिज़ाइनर, हर जना वो सब चीज़ें और दिमाग में रखकर ही काम करता है आज के टाइम पे। आपके पास कितने टाइप की पाग होगी? मैं नाम ऐसा नहीं बोल सकता कि इतने टाइप की ही पाग बनती है, जो मुझे याद है वो इन्फॉर्मेशन आपसे आज शेयर कर सकता हूँ। जैसे समुद्र लहर बनता है, मोठड़ा बनता है, लहरिया बनता है, राजाशाही लहरिया हो गया आपका, उसके बाद मिलाकरी पागे हो गई, फिर आपकी वेजिटेबल डाइंग की नेचुरल की पागे हो गई, फिर चार जो मेरे फादर के टाइम पर कलर चलते थे, नींबू, बादामी और पिंक और येलो, जो नींबू और मोतिया, बादामी और चन्या, ये चार कलर थे वो चलते थे। फिर उन्हीं चार कलर से इतना बड़ा पगड़ी का वेरिएशन सा है, जिसके अंदर समुद्र लहर भी चलता था, लेकिन समुद्र लहर के अंदर प्रिंट वापस करना, उसके ऊपर बंदेज करना, शेडेड पागे बनाना, शेड में अलग अलग पेस्टल टोन्स देना, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, अब बात करें रॉयल वेडिंग्स की अलग अलग एक एक करके, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, विक्की ने कौन सा पाग पे या पगड़ी पहनी थी, उनके बारातियों ने किस तरह की पगड़ी पहनी थी, उसके बारे में बताइए।
विक्की कौशल के जो साफ़े थे उसमें विक्की कौशल ने खुद ने गोल्डन कलर का साफ़ा पहना था, दैट इज़ गोल्डन क्रीम बेज फॉर्म का साफ़ा था जो सब्यसाची का था, और हम लोगों के बाराती साफ़े थे जो हम लोगों ने साफ़े, अगर शो करूँ किस टाइप के साफ़े थे लेके आना, उसके अंदर ऑर्गेन्जा साफ़ा था बाराती में, फ्लावर वाले साफ़े थे तो, और वो चीकू कलर में साफ़े थे। और जैसे इसके अलावा और कौन से फिल्म स्टार की आपने, नील नितिन मुकेश की बात करें, उनके कौन सा था? नील नितिन मुकेश सर के हम लोगों ने साफ़े गोल्डन कलर का साफ़ा नील नितिन को लगा था, और उनके बरात को रेड कलर का साफ़ा लगा था। उसमें किस तरह से डिज़ाइन थी, उन्होंने क्या डिज़ाइन भेजी थी, आपने किस तरह से बनाई इसको? उनका आउटफिट जो था दीवान साहिब का था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हम लोगों से साफ़ा लिया। और इसके अलावा और किसी शादी की बात करें जो स्पेशल आप बता सकें, किस फिल्म स्टार? बहुत सारी वेडिंग्स है सर। ईशा अंबानी की शादी की बात करें, अंबानी में तो बहुत अच्छी बात है, समुद्र वाला आपने बताया। हाँ, समुद्र लहर का साफ़ा था, उसके अंदर हमारी टीम थी उन्होंने साफ़ा बांधा, जिसमें जो फंक्शन स्टार्ट होगा 1 बजे और 4:30 बजे बारात निकल गई थी, तो इतने साफ़े और इतना काम था कि कंटिन्यू काम किया, और हमें भी नहीं पता कब बारात बाहर आई और हम लोगों ने काम करके कब कंप्लीट बाहर आए। अच्छा, आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में किस तरह से तैयारियों में जुट जाते हैं, आपके कितने वर्कर रहते हैं, डिज़ाइन को आप किस तरह, कोई एक्सपर्ट है आपके पास में या फिर आप ही हैं? अच्छा, ये बताने वाले थे आप कौन सा साफ़ा है? इस टाइप का साफ़ा है, ये यूज़ हुआ था, ये किसका साफ़ा है? ये विक्की कौशल 1230 का, यही वाला साफ़ा उन्होंने बारातियों ने पहना था। हाँ, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि कोई एक्सपर्ट है जो उस डिज़ाइन को बनाते हैं या फिर आप किस तरह से करते हैं? एक्चुअल में इस टाइप से होता है, कंपनी हमें बताती है कि हमें इस टाइप का साफ़ा चाहिए, हमें फ्लावर्स चाहिए इस टाइप का, फिर हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद हमारी जो टीम है, डिज़ाइनर टीम है, वो और हम सब बैठ के स्केच बना के वापस उनको स्केचेस भेजते हैं और साफ़े भेजते हैं, वो प्रिंट अप्रूवल करते हैं, फिर वापस हम प्रिंट बना के उनको दिखाते हैं, तो सो ऑन प्रोसेस है बिज़नेस का, वैसा चलता रहता है। रणवीर सिंह दीपिका की शादी में भी किया? हाँ, रणवीर सिंह दीपिका की शादी का काम हम लोगों ने इटली में किया था, लेक कोमो में, और उसके अंदर जो साफ़े के कलर्स थे हम लोगों ने मेन सर्विसेज दी थी, उसके अंदर साफ़े टाई किए थे और सोन बस। किस तरह के थे वो? उसके अंदर मरून और रेड कलर के साफ़े थे। डिज़ाइन के बारे में? कोटा डोरिया का फैब्रिक था, उसके ऊपर सभ्यसाची ने बॉर्डर्स लगा रखे थे। अच्छा, ये रॉयल वेडिंग जो है, रॉयल वेडिंग में डिज़ाइन वहाँ से भेजते हैं, तो वो क्या स्पेशल डिज़ाइन रहती है कि सामान्य जो शादियाँ होती हैं उनमें यूज़ नहीं हो पाती? नहीं, 100% कोई भी वेडिंग होगी सेलिब्रिटीज़ के अंदर, उसमें डिफरेंट साफ़े ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कुछ भी साफ़ा वो लोग ले लें कर ले, ऐसा नहीं होता है। और नॉर्मल साफ़ा कहने के बाद, साफ़ा की हम लोग में रिस्पेक्ट है मेवाड़ के अंदर, तो साफ़ा वैसे भी कोई नॉर्मल नहीं होता, लेकिन हाँ, इन लोगों की डिज़ाइन थोड़ी हटके होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इन लोग का पूरा थीम होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू थीम वर्क करते हैं। अब जैसे रणवीर दीपिका में इटली में शादी थी, तो वहाँ का एम्बियंस उस टाइम पे पूरे डे में एकदम सॉफ्ट एम्बियंस था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, एक सॉफ्ट एम्बियंस था, तो उन लोगों ने वहाँ नेचुरल टोन जैसे हार्ड कलर्स ले रखे थे, जैसे रेड हो गया और मरून कलर हो गया, ऐसा भी एटमोसफियर के अकॉर्डिंग वो लेते हैं, एटमोसफियर और थीम के अकॉर्डिंग थीम के अकॉर्डिंग सब चलता है। तो ये जाना पगड़ियों और साफ़े के बारे में, जो रॉयल वेडिंग्स जो उदयपुर में अब तक हुई या यहाँ से बाहर भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में रॉयल वेडिंग हुई, स्पेशल वेडिंग हुई, जिसमें जो पाग है, जो मेवाड़ की शान कही जाती है, यहीं से बनी और इनके द्वारा ही बनवाई गई है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।